तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित राजपुरोहित और आप देख रहे हो SRP ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं सूरत, ट्रैवल ब्लॉग है तो पूरा देखना। और स्पेशल बारिश हो रही है और हमें लेट भी हो रहा है, पता नहीं हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हम लोगों ने ओला बुक किया है, देखते हैं अभी ओला से जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा भीग जाएंगे। तो ओला आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं डोंबिवली। ये रही भूमिका, साथ में दीपक। काफ़ी बारिश चल रही, बारिश को भी आज ही होना था। तो गाइस अभी हम लोग ओला वाले ने हम लोग को डोंबिवली छोड़ दिया। ये तो 5 मिनट कार में बैठा और इसको उल्टी आने लग गई, वोमिट होने लग गई। इसलिए हम लोग बस की टिकट नहीं निकालते, इसलिए हम लोग ट्रेन प्रीफर करते। इसको सब चलता है, पहले नहीं चलता था, अभी चलने लगा, मुझे को सीखना पड़ेगा। डोंबिवली से अंधेरी के लिए लोकल ट्रेन पकड़ रहे, बहुत जल्दी मैं हूँ, बाद में मिलता हूँ। तो हम लोग लोकल में बैठ चुके हैं, मैं और दीपक घूमी, हम तीनों जा रहे हैं। टिकट हमको थोड़ी मुश्किल से मिली, नहीं हमने टिकट दिखाया कि हमारे पास पैसेंजर। मेरी बहन के नहीं मिलते थे, बोल रही है उनका नाम तो है नहीं तो कैसे अच्छे से एकदम टिकट दिखाने। नहीं हम लोग को टिकट मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब मेरा फर्स्ट व्लॉग था जिसमें मेरा CST में चलान कट गया था, कोई सीन अभी नहीं हुआ है। मेरे को टिकट मिल गई, प्रॉपर मिल गई टिकट। तो अभी हम लोग यहाँ से दादर जाएंगे, दादर से फिर अंधेरी। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं, लोकल से नहीं गए। बीच में हम लोग ने घाट के ऊपर उतर के मेट्रो डिसाइड कर लेंगे, हम लोग मेट्रो से जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो में, मैं तो मेट्रो में बहुत भरा है, हाँ स्पीड में। मेरा तो मेट्रो में 2-3 बार आ चुका, बट ये लोग नहीं आए थे मेट्रो में, तो ये लोग के लिए स्पेशल मेट्रो में पप्पा। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, मेट्रो के अंदर एक्चुअली अलाउड नहीं है वीडियो शूट करना, नहीं तो पकड़े जाते। तो जितना शूट किया उतना भी हमें डिलीट करना पड़ता है। बहुत बार बैठ चुका, बट पप्पा ने बोला कि ये लोग ने मेट्रो में नहीं बैठे, तो ये लोग को मेट्रो बताना पड़ता। लेकिन कुछ खास नहीं लगा मेट्रो, पता नहीं क्यों खास नहीं लगा। सेम तो है गाइस, खाली उसको दरवाजा खुलता और क्या। अच्छा ये लोगों को कुछ खास नहीं लगा, और AC है बस। देखो ठंडी भी लग रहा था, तो बहुत टाइम है, हम लोग 1 घंटे पहले पहुंच गए। 4:50 हो रहा है अभी तो, और हमारा 6:10 की ट्रेन है, बहुत टाइम है मतलब। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, हम लोग अंधेरी तो पहुँच गए थे, तो अभी हमारी ट्रेन आने में बस और बस 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में आ जाएगी। थोड़ी लेट है शायद से, कब क्या जानते, लेकिन 6:20 को आएगी। इसकी 10 की ट्रेन थी, 10 मिनट लेट, तो अभी 10 मिनट में आ जाएगी। अनाउंसमेंट हो गया है, ये रही हमारी डबल डक्कर ट्रेन। हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं, भूमि दीपक पीछे और मैं यहाँ पर आ गया ब्लॉग करने, क्योंकि आसपास में लोग बैठे थे, ब्लॉगिंग जम नहीं रहा है मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं, 3.5 घंटे का सफ़र है। कुछ 6:20 को हमने अराइव किया, 10:30 तक हम पहुँच जाएंगे सूरत। और मैंने मम्मी को भी फ़ोन कर दिया कि हम लोग बैठ चुके ट्रेन में, देखो जैसे कि मैं ऐसे बाहर खड़ा हूँ, बहुत मस्त भी है। एक्चुअली मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि बहुत भीड़ थी, लेकिन अभी जैसे ही बिल्ली मोरा आया पूरा ट्रेन खाली हो गया, सिर्फ ये और हम लोग और 4-5 लोग बचे जिनका स्टॉप। गाइस आपको थोड़ा काला काला दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे फोकस नहीं है लाइट का, हाँ लाइट नहीं है। और गाइस मेरे बोल बोल के मेरी आवाज़ देखो कैसी हो गई है। तूने क्या बोला झूठ बोल रहा है, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है। और बाहर तो बारिश बहुत हो रही है, पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे।
वैसे तो हम लोग को रिसीव करने आने वाली है बुआ और नीलेश भाई भी आने वाले। बोले देखो ये लोग मस्ती कर रहे, पूरा ट्रेन खाली हो गया, अभी कुछ हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी कुछ 9:30 बजे अभी हम मस्ती कर रहे हैं। ये मस्ती देख के प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो कर दो कर दो। तो अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, अभी तो मतलब सेकंड लास्ट स्टॉप आ गया है बरौनी। अभी से और 10 मिनट लगेगा बस और हमारा स्टॉप आ जाएगा। दीपक ये देखो ये बंदा रेडी बैठा है, स्टॉप हो जाएगा वैसे। तो गाइस हम लोकेशन आ चुके हैं, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, बस 10 मिनट लगेगा। मैं पिकअप करने के लिए भरोसा आ चुके हैं सच्ची, वो बस पहुँच चुके हैं। 2 मिनट बहुत रात हो चुकी है, प्लस बारिश भी हो रही है, पता नहीं हम कैसे जाएंगे। बट घर नज़दीक है, ये अच्छी बात है कि घर बहुत नज़दीक है स्टेशन से, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगा जाने में। 10:30 हो रहा है, 10:10 हो रहा है, 10:10। तो गाइस अभी हम आपको सचिन जाके मिलते हैं। A few moments later. तो हेलो गाइस, बहुत सॉरी क्योंकि रात को हम जब आ रहे थे तब 11 बज चुका था और बहुत बारिश हो रही थी, मतलब जिसकी वजह से मैं मोबाइल निकाल के शूट भी नहीं कर सकता, ऐसी बारिश हो रही थी। तो फिर गाया में घर पे आ गए, बाद में खाना वाना खा लिया, बैठ गए, फिर नींद आ गई। तो सुबह कंटिन्यू कर रहा है अभी, तो मैं नहाया भी नहीं, अभी मैं नहाने जाऊँगा। बस उठा, चाय पिया, मुँह धोया और ये मेरे बुआ का लड़का युवराज, क्या नाम है युवराज, युवराज नाम है। तो अभी आज का ब्लॉग तो इधर ही एंड करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो, जो भी परेशानी है सॉरी उसके लिए। अब नेक्स्ट ब्लॉग फ्रेश होने के बाद कंटिन्यू करूँगा न्यू ब्लॉग।